बॉडीज हैविंग सर्टेन मासेज, सर्टेन मास, कॉल्ड ग्रेविटेशन, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन कहे या ग्रेविटेशनल फोर्स कहे, इसमें है कि हर दो बॉडी, दो बॉडी है और दो बॉडी के पास अगर मास है तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय ए सर्टेन फोर्स, उस फोर्स से। जैसे एक बॉडी ये हुआ जिसका मास m1 है, दूसरा बॉडी जिसका मास m2 है और सेपरेशन है इसका r, r इसका सेपरेशन है। दो बॉडी m1 और m2 मास का है, फोर्स का एग्जांपल एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज हैविंग हैविंग सर्टेन मास, फिक्स मास जिसको बोलते हैं। Having certain mass. Force of attraction acting between two bodies having certain mass called gravitation या gravitational force. दो body है और दोनों body के पास अगर कुछ कुछ mass है और उसके बीच अगर separation है आर डिस्टेंस तक, हाँ आर जो है सेपरेशन है दोनों बॉडीज के बीच का, ये दो बॉडी एक दूसरे को फोर्स लगा करके एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना चाहता है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहता है, इसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू बॉडीज having h a v i n g having certain mass, having certain mass नहीं दिख रहा है,